हाथ जोड़ कर अरदास, गुरु जी सुन देने। तू रख मन विच विश्वास, ओ गुरु जी सुन देने। हाथ जोड़ कर अरदास, गुरु जी सुन देने। Good.
सगले फल पावे मनवाचत सगले फल पावे मनवाचत सगले फल पावे श्रद्धा नाल जो पुरानो त्यावे श्रद्धा नाल जो पुरानो त्यावे मनवाचत सगले फल पावे मनवाचत सगले फल पावे मनवाचत सगले फल पावे गुरु चरणी जो शीश झुकावे रखमन विच विश्वास गुरु जी सुनदे ने रखमन विच विश्वास गुरु जी सुनदे ने हाथ जोड़ कर अरदा गुरु जी सुनदे ने हाथ जोड़ कर अरदा समृत दाता झोलियां भरदा समृत दाता झोलियां भरदा समृत दाता झोलियां भरदा अंतर्यामी राखी करदा अंतर्यामी राखी करदा समृत दाता झोलियां भरदा समृत दाता झोलियां भरदा समृत दाता झोलियां भरदा बड़े मंदिर दी शोभा बड़े मंदिर दी शोभा इतनी जो आवे सो है तरदा जो भी आवे सो है तरदा जो भी आवे सो है तरदा बड़े मंदिर दी शोभा इतनी बड़े मंदिर दी शोभा इतनी जो भी आवे सो है तरदा जो भी आवे सो है तरदा जो भी आवे सो है तरदा रखमन विच विश्वास गुरु जी सुन दे ने रखमन विच विश्वास गुरु जी सुन दे ने हाथ जोड़ कर अरदा गुरु जी सुन दे ने हाथ जोड़ कर अरदा गुरु जी सुन दे ने 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 हाथ जोड़ कर अरदास गुरु जी सुन दे हाथ जोड़ कर अरदा गुरु जी सुन दे ने 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 सुन दे ने ये गुरु जी की ही कृपा है। अगर आज मैं गा रहा हूं तो ये गुरु जी की बख्शी हुई देन है।
गाना बंद हो गया था तकरीबन 3 साल पहले, जैसे किसी ने गला चोक कर दिया हो और घर से क्या कुछ सोच के जाना, और जिस समय हम स्टेज पर बैठते तो आवाज निकलती ही नहीं थी, 2-4 मिनटों के बाद ही आवाज बंद हो जाना, और वो पीरियड जो 1 घंटे या 2 घंटे का अगर कोई सत्संग हो और आपको आवाज ही ना निकले तो हम क्या करेंगे। तो मन में बड़ा ही, जैसे हम कहते हैं ना, ग्लानी होना या दुख होना, मुझे लगा शायद अब इसके बाद शायद ही मैं कभी गा पाऊं। जो डॉक्टर्स थे उन्होंने देखा लेकिन उनको भी प्रॉब्लम का पता नहीं लगा, तो मैंने गुरु महाराज के चरणों में अरदास की हाथ जोड़कर कि गुरु जी या तो अपने कोल बुला लो, या फिर जो दात आप जी ने की कृपा से मुझे मिली है मुझे गाने की फिर दात बख्शो, मैं गा सकूं। क्योंकि जब 2003 में गुरु जी के चरणों में हम पहली बार गुरु जी ने बुलाया एम्पायर स्टेट में, तो 2003 में जिस आंटी के साथ में गया तो गुरु जी ने यही वचन किए कि आंटी जी नू नाल लेके आई हैं, ये पिछले जन्म का भी बैरागी कीर्तनिया और इस जन्म में भी इसे यही दात मिली है। उस समय मैं गुरु जी की इस बात को समझ नहीं पाया, जैसे सुना और अनसुना कर दिया, जैसे समझ नहीं पाया गुरु जी की इस बात को कि गुरु जी तो इस जन्म की तो क्या, पिछले कई जन्मों की गुरु जी जानते हैं, जन्मों जन्मांतरों की गुरु जी को सब कुछ पता है, हम गुरु से क्या छुपा सकते हैं। जैसे बच्चा सोचता है मैं माँ से कुछ छुपा लूंगा पर छुपा नहीं पाता, कितनी कोशिश करता है, माँ ढूंढ ही लेती है, माँ पकड़ ही लेती है ना उसको। तो गुरु जी के चरणों में जब प्रार्थना की तो गुरु साहिब ने उस अरदास को सुना और मुझे दोबारा गला बख्शा, ये दात बख्शी कि मैं गुरु जी के सत्संग में गा सकूं। और केवल गा ही ना सकूं, गुरु जी ने ये भी और कृपा की कि गुरु जी के लिए मैं लिख भी सकूं। जो गुरु जी लिखवा रहे हैं ये गुरु जी ऐसे रात को अचानक नींद खुल जानी 2 बजे 3 बजे और गुरु जी भजन भेज देते हैं और मैं उसी समय अपने फोन पे ही जो नोटबुक होती है उस पे ही टाइप कर लेता हूँ कि कहीं सुबह मैं भूल ना जाऊँ इन शब्दों को। तो ऐसा ऐसा गुरु जी की कला कृपा हो रही है, कृपा करते हो झोलियाँ भरते हो, खुश नसीब हैं कि पाया आपको गुरु जी। हम बहुत खुश नसीब हैं हम सभी कि हमें गुरु जी जैसे रब रूप गुरु जी मिले हैं। सो कृपा करते हो झोलियां भरते हो।